वाणी। तो सबसे पहले हमारा जो अन्न है वो प्रदूषित हो गया है, जो हम अन्न खा रहे हैं, क्योंकि अन्न से ही सब कुछ है, अन्न से ही हमारा ब्लड बनता है और वही ब्लड हमारे पूरे शरीर में चलता है, उसी से ही हमारी मानसिकता भी बदलती है। तो अन्न भी तीन प्रकार का होता है, तामसिक भोजन, राजसिक भोजन और सात्विक भोजन। तामसिक भोजन मतलब जो इस समय दुनिया में अंडा, मीट, मछली ये सब खा रहे हैं, ये है तामसिक भोजन। ये मनुष्यों का भोजन नहीं है, मनुष्यों के लिए तो कितने अच्छे अच्छे भगवान ने फल सब्जियां बनाई हैं, लेकिन आज कहते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे तो हमको विटामिन नहीं मिलेगी, प्रोटीन नहीं मिलेगा। आज दालों में देखो कितना प्रोटीन है, लेकिन ये हम प्रोटीन नहीं, ये हमारा क्या है, जीभ का स्वाद। जीभ इतनी छोटी सी जीभ है जो यहीं तक जाती है और पेट में जाके सब एक हो जाता है, लेकिन उसी के लिए हम कितने पाप कर रहे हैं। ये शरीर हमारा मंदिर है और इस शरीर रूपी मंदिर को हम क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, इस दूषित कर रहे हैं इस मंदिर को, और इस मंदिर में आत्मा बैठी हुई है। तो जो मानव है वो कितना विवेकशील प्राणी है और हम इन पशुओं को काट काट करके खा रहे हैं, तो इससे ही हमारी बुद्धि और तामसिक बनती जा रही है। क्योंकि जिस भी जीव जंतु को काटते हैं पहले तो उसके अंदर डर होता है, जब उसको काटते हैं भय होता है उसके अंदर, कितनी सारी वाइब्रेशन उस जानवर के अंदर होती जब उसको काटते हैं, और वही वाइब्रेशन वाली चीजों को हम खाते हैं जब अपने अंदर जा करके, तो हमारी भी मानसिकता बदल जाती, सोच बदल जाती है। तो इसीलिए हमारा जो शरीर को अगर हम मंदिर समझ कर चलाएंगे तो हम ये भोजन नहीं करेंगे। भोजन की कमी नहीं है, फल सब्जियों की कमी नहीं है हमारे देश में, लेकिन जो बाहर का वो यहाँ पर प्रचलन आ गया है। तो जैसे यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि जो भोजन बना रहा है वो क्या सोच कर बना रहा है, मन बुद्धि पर पड़ता है। तो सोच की तो बात दूर है, पहले तो जो बनाने वाली वो क्या स्वच्छता है उसके अंदर। जैसे हम कोई भी चीज को, जैसे हम भंडारे का भोजन करते हैं, भंडारे का कहते हैं प्रसाद है, आप मार्केट से मिठाई लाओगे तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी, लेकिन जब वही मिठाई मंदिर में चली जाती है तो वो क्या बन जाता है, प्रसाद। और जब उस प्रसाद को हम खाते हैं तो कितनी भावना से खाते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारे घर में भोजन जो बनेगा परमात्मा की याद में, अच्छी सोच से जो भोजन बनेगा वो शुद्ध और पवित्र भोजन होगा। तो जो व्यक्ति उस भोजन को खाएगा उसका मन अपने आप बदलेगा। अभी भंडारे का भोजन सब लोगों ने किया होगा, देखा कितना स्वाद है उसमें, चाहे इतनी मोटी पूड़ी है, चाहे आलू बैंगन की ही सब्जी है, कुछ भी मसाला नहीं है, लेकिन स्वाद है। क्यों है? क्योंकि ये है कि भंडारा बन रहा है, ये सोच के बनाया गया है, तो उसकी वाइब्रेशन उसके अंदर समा गए हैं। तो जैसा आप सोच करके भोजन करते हो वही वाइब्रेशन भोजन में समा जाते हैं, और जो खाते हैं उसका हमारे मन पर असर पड़ता है। दूसरा राजसिक भोजन, राजसिक भोजन मतलब जो हर समय बहुत फास्ट फूड खाते हैं, तेल मसाला तला भुना ये सब चीजें जो खाते हैं, वो भी हमारे मन को बहुत गहरा असर पड़ता है। और तीसरा सात्विक भोजन, तो जैसा आप अन्न खाओगे, देखो आप जो तामसिक व्यक्ति होगा ऐसा भोजन करने वाला, उसका चेहरा देखो आप, अपने आप बदला हुआ आसुरी प्रवृत्ति जैसा लगेगा। और जो सात्विक भोजन करने वाला होगा उसका चेहरा देखो। तो भोजन का हमारे जीवन
बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये अब हमारा विवेक इतना तो काम करता है कि कैसा भोजन हमें करना है। अगर हमें अपने जीवन को बदलना है तो अपने अन्न को भी बदलना पड़ेगा।